हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जो लहंगा कल मैंने आपको सिल के दिखाए थे, उसी लहंगा का जो है ये ब्लाउज है। और ब्लाउज का आजकल तो डिजाइनर ब्लाउज आती है ऐसे ही नेकलाइन बना के। देखिए, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये जो है हमारा सामने आएगा, फ्रंट आएगा, फ्रंट नेक है। और इस ब्लाउज में मैं सोच रही हूँ वन टक्स देके कप लगा के ब्लाउज बनाऊंगी। ये जो है फ्रंट है, और बैक कुछ इस तरह का डिजाइन दिया हुआ है। क्योंकि इसमें जो डिजाइन है हमें वही बनाना पड़ेगा, अलग सा कोई डिजाइन हम इसमें डाल नहीं सकते। तो बैक जो है ऐसे आएंगे। और इसके साथ कपड़ा तो बहुत ही बड़ा दिया है ये। मतलब ये लहंगा का एक अच्छी बात है कि इसका ब्लाउज पीस जो है बहुत बड़ा है। कहीं कहीं जगह पे ये होता है कि लहंगा का साथ ब्लाउज पीस थोड़ा सा मतलब अजीब सा देता है, नेट वाला देता है, कोई कोई और दूसरा दूसरा फैब्रिक का देता है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। इसमें देखिए, इसका कपड़ा भी बहुत बढ़िया है। और इसके साथ जो है स्लीव्स का देखिए अलग कपड़ा दिया हुआ है, और स्लीव्स में जो है ये बॉर्डर लगेगी। तो पहले हम अस्तर कट करेंगे, देन हम ब्लाउज कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ किए हैं। देखिए, मैंने फोर फोल्ड में ये वन टक्स कप जो है ब्लाउज है, इसे अलग अलग पार्ट कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चारों दोनों पार्टों को एक साथ कट कर सकते हैं, इसीलिए फोर पीसेस ली है मैंने। फोर पीसेस लेके नेक से जो शोल्डर है वो हम 5.5 पे मार्क किए हैं। उसके बाद नेकलाइन मैंने 2.5 पे मार्क किए हैं, और यहाँ से यहाँ क्वार्टर इंच जो है शोल्डर को डाउन किए हैं। और यहाँ से यहाँ जो हमारा आर्म होल का निशान है वो 6 इंचेस पे है, 1.5 इंच पे इसका गोलाई दिए है हमने। और इसका जो चेस्ट है वो 32 है, 32 पे हम हाफ इंची लूजिंग के लिए 8.5, और उसमें और 2.5 इंची मैंने एक्स्ट्रा लिया है। क्योंकि मतलब हम लोग जैसे टेलर लोग जो है 2 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, वहाँ मैं 2.5 इंच का जो है एक्स्ट्रा ली हूँ। और सेम नीचे पे हाफ इंची कम करके जो है मैं इस निशान को इस निशान से मिला ली हूँ। अब हम इसको कट कर लेंगे। नेकलाइन अभी हम कट नहीं करेंगे, नेकलाइन हम मेन फैब्रिक के साथ इसे अटैच करने के बाद कट करेंगे। वैसे होने से आपका फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए हम पहले इसे कट कर लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं ब्लाउज का लेंथ जो ली हूँ आपको बताना भूल गई हूँ हड़बड़ी से। हमने जो है हमें 13.5 इंच पे तैयार रखना है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, 14.5 इंच लिए हैं शोल्डर से लेके नीचे तक का 14.5 इंच लिए हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो कटिंग है, हम जो हमारा सामने की जो टक्स लगते हैं, टक्स हम कितने नंबर पे दें, जिसका हाइट शॉर्ट है वो 10 इंच पे लगा सकते हैं, और जिसके हाइट थोड़ा सा लंबा है वो 10.5 इंच पे आप जो है टक्स लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ 10 इंच लिया है, शोल्डर से लेके यहाँ तक 10 इंच। और यहाँ से हम जो यहाँ साइड से जो हम लेते हैं, जितना हमारा चेस्ट है उसका 10वां भाग, यानी 3.2। 32 इंच का ब्लाउज है तो ये 3.2। तो मेरा यहाँ थोड़ा निशान गड़बड़ा गया, इसीलिए निशान जो है रॉन्ग लगा ली थी। तो फिर मैं इस लाइन को इस लाइन से मिला दी हूँ, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दी हूँ। अब हम यहाँ 1-1 इंच का या तो हाफ हाफ इंच का आप टक्स लगा सकते हो, देन आप यहाँ कप जो है सेट कर सकते हो। और यहाँ देखिए, हम आर्म होल का जो गहराई होता है फ्रंट साइड, उसका भी गहराई भी लगा ली हूँ। अब हम इस दोनों को टक्स पॉइंट लगाने के बाद इसे कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम जो यहाँ नॉच लगा लिए हैं, क्योंकि हमारा दोनों साइड जो है टक्स जो सेम पोजीशन में आए, इसीलिए हमने यहाँ निशान लगा लिए हैं। अब जो है बैक साइड का जो है
हम जो 3.5 इंच पे जो डॉट डालते हैं वो डॉट का निशान लगा लेंगे, देन हम मेन फैब्रिक जो है कट करेंगे। ये जो निशान है फ्रेंड्स, जो 3.5 इंच पे हम जो बैक का जो डॉट डालते हैं वो हम इसका जो लेंथ रखे हैं 4 इंच रखे हैं, क्योंकि हमारा बैक जो है बहुत ही डीप नेक है। तो चलिए हम मेन फैब्रिक पे अस्तर को रख के एज इट इज़ कट कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा फ्रंट पार्ट है सेम ड्राफ्ट रख के, सेम पीस को रख के मैं और एक पीस कट करूँगी, क्योंकि उसमें हमें जो है कप लगाना पड़ता है, कप लगा के उसे पलटना पड़ता है। तो मैं सेम और एक पीस कट कर लूँगी फ्रंट के लिए, फ्रंट में हमें दो पीस लगेगी ऐसा। तो चलिए हम पहले अस्तर कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो है हमारा बैक नेक पैटर्न है। तो हम इस बैक नेक पैटर्न के ऊपर अपना जो अस्तर हमने कट किए हैं उस अस्तर को सही तरीका से बैठाएंगे, इक्वली दोनों साइड को बैठा के देन हम इसे कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो क्योंकि अस्तर को ऊपर से भी डिज़ाइन दिख रहा है, तो मैंने बॉल पिन से जो है अस्तर को एकदम सेट कर लिए, क्योंकि अगर आप बॉल पिन सेट करके कट करोगे तो आपका अस्तर जो है और कपड़ा जो है हिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से कटिंग होता है। मैं थोड़ी थोड़ी सी कपड़ा छोड़ते हुए कट करूंगी, क्योंकि पहले मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ मुझे बहुत ही डर लगता है, और नीचे के तरफ भी मैं 1 इंच छोड़ दूंगी और इसे फोल्ड कर दूंगी। तो पहले मैं इसी अस्तर के अकॉर्डिंग ब्लाउज को कट कर लूंगी फ्रंट की, सॉरी ये बैक नेक है, फ्रंट का बाद में कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बैक नेक बैक पैटर्न जो है हमारा कट हो चुका है, बैक का जो पार्ट है, पैटर्न नहीं पार्ट जो है वो हम कट कर चुके हैं। अब जो है हम सेम ऐसे अस्तर रख के फ्रंट वाला पार्ट जो है कट करेंगे। आज मैं गलती पे गलती कर रही हूँ, क्या क्या बोले जा रही हूँ नहीं पता, सॉरी इसके लिए माफ़ करिए। चलिए हम अब फ्रंट पार्ट कट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे भी हम सेट कर लिए हैं फ्रंट वाले पार्ट को। अब हम इस फ्रंट वाले पार्ट को कट कर लेंगे, बॉल पिन से सेट कर दिए। यहाँ भी थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, पर नीचे हम सेम अस्तर पे ही कट करेंगे, क्योंकि सामने पार्ट फ्रंट पार्ट में हमें जो है जो और एक अस्तर है वो जोड़ना है, और इसे नीचे जब हम अलग से एक पट्टी ज्वाइंट करेंगे तब ये बहुत ही अच्छा बैठती है, क्योंकि नीचे हमारा यहाँ थोड़ा सा मोटा पट्टी होना ज़रूरी है। तो आइए हम इसे भी कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट कर लिए हैं, और इसमें तो अलग सा कोई मतलब सामने का जो हम लोग डबल कटोरी ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 टक्स देंगे हम। अब जो है हम स्लीव्स कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा स्लीव्स जो है वो इसका स्लीव्स का जो लेंथ है 5.5 इंच है, और ये तैयार जो है 4.5 इंच रहेगा। अब ये जो मैं ड्राफ्ट बना ली हूँ, इस ड्राफ्ट के अनुसार हम कट कर लेंगे, और इसी ड्राफ्ट को रख के हम जो मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो है स्लीव्स भी कट कर लिए हैं, सारा कटिंग्स जो है हमारा पूरी हो चुकी है। आई होप कि मैं जो दिखाई हूँ डिटेल में कैसे काटेंगे कैसे नापेंगे आप सबको पसंद आया हो। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और इसका नेक्स्ट वीडियो में इसे कैसे सिलूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।